हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज रेडी करेंगे। इसमें मैंने सीक्वेंस की आउटलाइन दी है और फ्रंट में हमने यहाँ पे कट किया है और बैक में मैंने स्ट्रिप पे भी सीक्वेंस की आउटलाइन की है। तो पहले हम इसकी कटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ लेंथ ब्लाउज़ की 14 इंच है और जो ब्रेस्ट है वो 34 है और वेस्ट है वो 29 इंच है और जो स्लीव्स की लेंथ है वो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे और जो फिटिंग है स्लीव्स की वो हम यहाँ पे 10.5 इंच लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। अब हम यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम यहाँ ऊपर से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और जो आर्म होल है वो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया। अब यहाँ जो ब्रेस्ट की साइज़ थी वो 34 थी तो उसका 4 पार्ट 8.5 इंच आ गया। उसमें मैंने 2+ कर दिया मार्जिन और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ 1 इंच की आर्म होल में मैंने गोलाई लगा दिया। अब ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे तो 14 इंच थी, उसमें मैंने 1 इंच माइनस कर दिया तो 13 इंच लेंगे हम यहाँ फ्रंट का। यहाँ 1 इंच माइनस किया है क्योंकि हम यहाँ अलग से बेल्ट ऐड करेंगे। अब दोनों साइड मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नीचे की तरफ से हम टक्स का मेजरमेंट करेंगे तो 3.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद में कप्स की साइज़ निकालेंगे तो यहाँ पे 9.5 इंच है तो यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर मार्क कर लेंगे और इस साइड हम यहाँ पे 1 इंच से 2 लाइन हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसको थोड़ा सा सेप देते हुए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे और जो डीपनेस है वो हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे। अब यहाँ से 5 इंच लेंगे, 5 इंच से 1/2 इंच हम थोड़ा तिरछा लेंगे। उसके बाद में हम ये इस प्रकार यहाँ पे सेप देके नेक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से भी 2 इंच लेके हम इसको मिला लेंगे। दोनों तरफ 2-2 इंच है नीचे की तरफ। अब इसको हम कट कर लेंगे। जैसे मार्क किया है वैसे ही इसको कट करना है। अब ये ऊपर वाला 1/2 इंच जो हमने लिया है वो भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये प्रिंस कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ ओपन है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ ऊपर शोल्डर हमने 5.5 इंच ले लिए हैं और आर्म होल वो हम 6.5 इंच लेंगे। आप जो ब्रेस्ट की साइज़ थी वो 8.5 इंच थी तो वो हमने ले ली है और 2+ इसमें हमने मार्जिन ऐड कर दिया है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल में 1.5 इंच की गोलाई लगा देंगे। ध्यान रहे बैक में 1.5 इंच थी और फ्रंट में 1 इंच ही थी ओनली। अब लेंथ लेंगे तो लेंथ हमारी 14 इंच थी तो उसे 1+ कर दिया, 15 इंच हम ले लेंगे। बैक में हमने 1 इंच माइनस किया था, सॉरी फ्रंट में हमने 1 इंच माइनस किया था और बैक में हमने प्लस किया है।
अब यह साइड में से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सभी पैटर्न को मेन फैब्रिक के साथ में रख के मैंने इस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर ली है। और जो मेन फैब्रिक है वो मैंने बटर क्रेप फैब्रिक लिया है। अभी इनके मैंने फ्रीजिंग पेपर चिपका लिया है सभी पार्ट पे। तो ये सब चिपका के रेडी कर लिए। अब जो हमने जो लाइनिंग कट की है उसके बराबर मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो पहले नेक पे हम सिलाई करेंगे। नेक पे और नेक के नीचे की तरफ हम अंदर की सिलाई करेंगे। इसमें हम पाइपिंग की आउटलाइन नहीं करेंगे। अब इसके छोटे छोटे कट करके मैंने इसको पैटर्न को सीधा कर लिया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया। अब साइड वाले जॉइंट हम अलग अलग जॉइंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कप्स भी ऐड करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड हम सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ हमने जो मेन फैब्रिक है वो हमने जोड़ लिया है। अब जो बैक का जो लाइनिंग है उस पर हम सिलाई करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर की है वैसे ही मैंने यहाँ नीचे कर लिए। अब हम यहाँ पे कप्स ऐड करेंगे। तो कप्स मैंने पहले इसमें अंदर की तरफ लगा लिए हैं। इनको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर हम आलपिन लगा लेंगे। इनको अंदर की तरफ रख के पहले इनको सेट कर लेंगे कि हमें कहाँ लगाना है। अब इसके ऊपर हम आलपिन लगा देंगे। अब यहाँ पे ये सिक्योर हो गया है। अब इसको हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको उठा के नीचे वाले को अलग कर देंगे और सिलाई करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा लंबी सिलाई हमें नहीं देनी है। यहाँ पे जहाँ हमने पिन से सिक्योर किया है वहाँ तक ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ हमारा कप्स लग गया है। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी लगाएंगे तो बेक वाला ऐसे आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप कप्स लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बूट की सिलाई कर लेंगे। और नेक पे भी हम एक बूट की सिलाई कर लेंगे।
जो लाइनिंग है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो जिस अकॉर्डिंग शेप में हमने नेक रेडी की है वैसे ही हम इसके ऊपर एक बुट की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे साइड की में हम यहाँ पे कट करेंगे। तो हम यहाँ पे हाफ इंच साइड में से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसी साइज़ का हम कट कर लेंगे। तो ये साइज़ देख लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो वो थोड़ी छोटी साइज़ थी तो हम थोड़ा सा बड़ी साइज़ लेंगे। मैंने 2 इंच चौड़ी यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ली है। अब इसके ऊपर रख के हम इसको चिपका लेंगे। इसको हम डबल कर लेंगे और जो नीचे हमने हाफ इंच छोड़ा था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और हाफ इंच नीचे की तरफ मार्जिन लेके हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कट करके ले आए हैं। साइड में मुझे थोड़ा कम लगा तो हम यहाँ पे हाफ इंच और कट कर लेंगे। मतलब टोटल हमें यहाँ पर 1 इंच कट करना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब नीचे की तरफ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। पेस्टिंग लगा के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ इंच मार्जिन रखा है। अब इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर इस अकॉर्डिंग रख के सिलाई कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब बैक पार्ट में हम कटिंग करेंगे नेक की। तो नीचे से मैंने 3.5 इंच ले लिया है और जो नेक की नीचे से चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 5 इंच लिए हैं। अब ऊपर से मेजरमेंट करेंगे तो जो नेक की चौड़ाई थी वो हमारी 2.5 इंच थी। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे वी शेप में। तो बेक का जो और यहाँ मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है। बेक में हम वी नहीं करेंगे। अब जो स्ट्रिप देंगे वो यहाँ 1 इंच लेके उसमें 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा ली है। वन इंच से 2 इंच 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा ली है। वहीं ऊपर ले जाते हुए
हम मार्क कर लेंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम जो नीचे की तरफ हमने 5 इंच नेक की चौड़ाई ली है वहाँ से हम लाइन मिलाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, तो पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये 1/2 इंच को कट नहीं करना है। यहाँ हमने मार्जिन रखा है क्योंकि हम यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगाएंगे तो उसमें ये मार्जिन चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच रखा है। अब यहाँ बीच में से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ बीच में से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ नेक की सिलाई करेंगे, तो पहले हम यहाँ बॉटम में लेस लगाएंगे, सॉरी बॉटम में हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद में मैंने यहाँ इसकी पूरे पे सिलाई कर ली है नेक पे। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो यहाँ मैंने पिन से ऊपर से लेके इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ अंदर की तरफ हम पिन डाल के इसको सीधा करेंगे स्ट्रिप को, और बाकी पैटर्न को हम वैसे सीधा कर लेंगे। तो हमारी स्ट्रिप है वो सीधी हो गई है, और जो स्ट्रिप है वो हमने अलग से नहीं लगाई है। अब इस पूरे पैटर्न को सीधा करने के बाद में हम इसके ऊपर कर लेंगे प्रेस। तो यहाँ मैंने दोनों पैटर्न सीधे कर लिए हैं और इसके ऊपर मैंने आयरन भी कर ली है, और साइड में मैंने एक पे बैक में टक्स भी लगा लिया है। तो हम यहाँ दूसरी तरफ भी टक्स लगाएंगे। टक्स मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मैंने यहाँ पे टक्स लगाई है, क्योंकि हमने जो नेक की चौड़ाई है वो 5 इंच रखी थी, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके 6 इंच पे हमने टक्स लगाई है, और नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए 6 इंच लंबी ही डार्ट लगाई है। अब यहाँ हम आयु की पट्टी लगा लेंगे। यहाँ मैंने पट्टी लगा ली है, अब हम यहाँ पे शोल्डर से सिलाई करेंगे। तो यहाँ बीच में स्पेस है क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में चला गया है, तो हम स्पेस ही रखेंगे बीच में।
तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो बैग की डिज़ाइन है वो रेडी हो गई। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ भी हम बीच में स्पेस देंगे और सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पे नॉर्मली सिंपल की है, जो मैंने और वीडियो में अपलोड की हुई है, आप उनमें देख सकते हैं। तो दोनों तरफ हम यहाँ पे स्लीव्स ऐड कर लेंगे और बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने जो बैक में आयु की पट्टी लगाई है वहाँ पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे ओनली हमें कच्ची सिलाई करनी है। जब भी आप फिटिंग करें तो बैक का भी आपको बंद करना है कच्ची सिलाई करके, उसके बाद में आगे और पीछे का बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी फिटिंग सही आएगी। अब हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है वो साइड में निकल जाएगा, अगर एक्स्ट्रा नहीं है लेवल में है तो हम इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल बराबर लेते हुए हम सिलाई करेंगे। और आप यहाँ पे अपना जो मेजरमेंट है ब्लाउज का वो चेक करके उसके बाद में मार्किंग करके फिर सिलाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही दूसरी तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारे ब्लाउज की सिलाई तो कंप्लीट हो गई है। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज कंप्लीट। ब्लाउज तो कंप्लीट हो गया है, बाकी मुझे थोड़ा ये सिंपल ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसके ऊपर सीक्वेंस की आउटलाइन करेंगे। अगर आपको सिंपल पहनना पसंद है तो आप ऐसे भी इसको पहन सकते हैं। ये बैक की डिज़ाइन है। अब मैंने यहाँ पे गोल्डन सीक्वेंस ली है। अब हम यहाँ पे आउटलाइन करेंगे। तो मैंने ये ग्लू लिया है और इसको हम यहाँ पे फैला देंगे, और इसका लिंक मैं बायो में डाल दूँगी। आप मेरे ये मीशो से परचेज़ किया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सीक्वेंस डाल देंगे, जो हमने आउटलाइन किए वहाँ सीक्वेंस चिपक जाएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएंगे। ये 7000 ग्लू को हम अच्छे से फैला लेंगे, इससे सीक्वेंस कहीं नहीं जाएगी और धोने के बाद में भी ये ऐसे ही रहेगी। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप बायो में लिंक है उस पर आप क्लिक कर लेना। अब इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर थोड़ा हम दबा देंगे ताकि सही से सीक्वेंस लग जाए। तो
तो यहाँ इस अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंस लग गई है। अब हम नेक पे और बेक में स्ट्रिप पे भी लगा लेंगे। तो ये बेक पार्ट है, मैंने स्ट्रिप बेक में भी लगा ली और स्लीव्स पे भी लगा लिया है, और ये फ्रंट पार्ट है। तो इसका लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।